अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीबी ने आज सुबह उनके घर पर छापामार कार्रवाई की थी। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी कार्रवाई हुई थी। सैमुअल मिरांडा और शौविक को एनसीबी अपने साथ अपने दफ्तर लेकर आई थी। और अब इस समय की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि रिया का भाई शौविक गिरफ्तार हो चुका है। शौविक ने कन्फेस किया है कि ड्रग के पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का मास्टरमाइंड था। और इसके अलावा यह भी सामने आया है कि जो हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, हाई प्रोफाइल पार्टीज होती थी, वहां पर यंगस्टर्स को शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स बेचने का धंधा किया करता था। उसके साथ में 3-4 लोगों का और इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। बसित भी पहले से हिरासत में है, जायद विल्तारा भी पहले से हिरासत में है, और अब शौविक को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। बहुत समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। आप लोग कई बार पूछ रहे थे कब होगी गिरफ्तारी, कब होगी गिरफ्तारी। आज वो दिन आ गया है, फ्राइडे के दिन अरेस्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स कंज्यूम करने के अलावा ड्रग्स को बेचने के भी आरोप लगे हैं, और ड्रग्स को 5 गुने ज्यादा दाम में बेचा जाता था। ये पूरी बात सुबह उस वक्त लगभग तय लग रही थी जिस वक्त एनसीबी की टीम घर पर छापा मारने पहुंची थी। मैंने उस वक्त ही आपको बताया था कि एनसीबी की टीम अगर घर पर छापा मारने पहुंची है, इसका मतलब उनके पास कोई बड़ी पुख्ता जानकारी है। पूरा दिन पूछताछ में बीता और शाम को अभी इस वक्त ये खबर आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं, रिया का भाई शौविक गिरफ्तार हो चुका है, और अब आगे कुछ और बड़े नामों के खुलासा होने की भी संभावना है। आगे जो भी अपडेट होगा उसे देने में तुरंत लौटूंगा।